साइकिल। का कहा? 600 रुपया सिर्फ पॉलिश का? हाँ, इससे कम में नहीं होगा। अरे नहीं भैया नहीं, हमको नहीं करवाना कोई पॉलिश वाले। नहीं अरे अरे चोर हमरी चैन ले गया। अरे कोई पकड़ो भैया, हमरी अम्मा ने हैप्पी बर्थडे पर दिया था। रुक जा, रुक। अंकुश चोर। हाँ? बैठो। अरे रुक रे चोर। अरे हम रह गए अंकुश। अंकुश मेरा हार। आज तक ऐसा लालची चोर नहीं देखा। चैन नहीं मिली तो मोपेट ले गया। रुक जा, रुक रे, रुक। अंकल, चोर आपके बोलने से नहीं रुकेगा, लेकिन आपकी प्यारी मोपेट तो रुक सकती है। मोपेट हमारी बात समझेगी? आपकी मोपेट है, आप बोलो तो। ए हमारी प्यारी मोपेट, इस चोर को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाकर छोड़ा। अरे ये बुड़बाग हमारी मोपेट को कहाँ ले जा रहा है? चोर मोपेट को नहीं, अब मोपेट चोर को पुलिस स्टेशन ले जा रही है अंकल। ये तो कमाल हो गया। अरे भागो। मुझे खुश रहो, लेकिन तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे नहीं नहीं हाथी जी, इसने आपके पैर नहीं छुए, ये तो हमारी मोपेड लेकर भागा था। ओ क्या बात है अंकुश, ओ हवलदार बंद कर दो इस चोर को लॉकअप में। अरे मुझे छोड़ दो। विनोद, मेरे इयररिंग्स कितने गंदे हो गए हैं, सोच रही हूँ क्लीन करवा लूँ। फेस्टिवल भी आने वाले हैं। ठीक करवा लेना। बजरंगी, मम्मी की बातों में पापा का ध्यान नहीं है, मम्मी गुस्सा होंगी और बोलेंगी। मैं हमेशा जब भी आपसे जरूरी बात करती हूँ आप बिजी होते हो, ऑफिस का काम घर पे लाते क्यों हो? इतनी जोर से नहीं हंसना था अंकुश, अब दोनों तुम्हें डांटेंगे। बस स्कूल से आकर बैग फेंका और खेल खेल और सिर्फ खेल, होमवर्क तो किया नहीं होगा। कर लूँगा ना, स्कूल में दिन भर पढ़ता ही तो हूँ। अंकुश, मम्मी का गुस्सा ठंडा करने वाला ऐड देखो। अब अपनी कोई भी ज्वेलरी क्लीन करवाइए सिर्फ 50 रुपए में, गोल्ड पॉलिश सिर्फ 200 रुपए में। हरी फेस्टिवल ऑफर। मेरा राजा बेटा कहाँ लिखा है? कितना अच्छा ऑफर है, कितना सस्ता भी है। मैं काम निपटाने के बाद तुम्हारी ज्वेलरी क्लीन करने दे दूंगा गीता। मैं भी साथ जाऊंगा। होमवर्क फिनिश करोगे तभी। आ गए तोते। आओ आओ विनोद, ज्वेलरी क्लीन करवाना है जी, लीजिए। अब
बहुत अच्छी बात है, मैंने इसीलिए तो 100 रुपए वाला ऑफर निकाला है। तोता जी तोपे परिपुरा के होपे। विनोद जी मैं कह रहा था फुल पेमेंट एडवांस लगेगा। अच्छा कुछ बोल दो, फुल पेमेंट तभी जब रिसीप्ट मिलेगी। ओके अंकल, फुल पेमेंट लो लेकिन रिसीप्ट भी दो। लड़का समझदार है। सोता उठ, इनकी रसीद बना। बॉस इतनी सारी ज्वेलरी पॉलिश कैसे करेंगे? बेवकूफों, ये ज्वेलरी क्लीन नहीं, क्लीन करना है, समझे? नालायकों, दुकान में चोरी होगी और सारी ज्वेलरी गायब हो जाएगी। क्लीन नहीं करना है, बॉस कैसा बकवास आइडिया, जब ज्वेलरी चोरी ही करवानी थी तो इतनी मेहनत क्यों की? आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे बेवकूफ, मुझे ही मिलेगा क्योंकि ज्वेलरी मैं ही तो चोरी करूंगा। वाह 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 वाह, समझ गया, तोता राम जी तोपे फनीपुरा की होपे। मुझे मेरी चेन वापस चाहिए। हाँ क्या हुआ है बहन? कल रात को यहाँ चोरी हुई है और चोर सारी ज्वेलरी लेकर चले गए। क्या अब क्या होगा, मेरी भी चेन इयररिंग और अंगूठी थी। तोता अंकल हो और गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बर्बाद हो गया, उड़ गए तोते। ये क्या बोल रहे हैं? बॉस के साथ हम भी बर्बाद हो गए। बॉस बॉस जाइए तोता अंकल, तोतों के साथ उड़कर पुलिस स्टेशन जाइए। अंकुश, तोता अंकल को तो कोई फिकर ही नहीं है, पूरे 24 कैरेट खरे सोने की ज्वेलरी थी। डोंट वरी मम्मी, चोर तो तोता अंकल ही है, बस उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। अंकुश चलो तोता अंकल के घर। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी देख कर आता हूँ, ज्वेलरी मिल जाएगी। अंकुश तुम यहीं रुकना, मैं आया। सोता उठ, सोता सामान अपने आप कैसे निकल रहा है? सोता उठ, सोता सोता उठ, सोता क्या हो रहा है? क्या हुआ दीदी? मम्मी की ज्वेलरी यहाँ नहीं है, यानी ज्वेलरी वही है जहाँ तोता अंकल है। बॉस किसी को नहीं पता है कि सारा सोना आपकी साइकिल में। किसी को पता भी नहीं चलेगा, जब मामला शांत होगा मैं सारी ज्वेलरी ठिकाने लगा दूंगा। हटा, ब्रेक नहीं है, हट जाओ। उड़ गए तोते। ये तोता अंकल की साइकिल में चमक कैसी? तैनात, देख कर नहीं चला सकते क्या? मेरी इतनी महंगी साइकिल को कुछ हो जाता तो। हमारी गलती नहीं है, अब ब्रेक की गलती है। हाँ। अच्छा तो तोता अंकल सोने की साइकिल पर घूम रहे हैं। साइकिल की चेन चढ़ाओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है बॉस। हैं?
अरे मेरी साइकिल, मेरी सोने की साइकिल, अरे मेरी साइकिल। हैप्पी जी, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरी साइकिल चोरी हो गई। और जी साइकिल चोरी हो गई, कोई बात नहीं, साइकिल ही तो है, मिल जाएगी। अरे अरे वो मामूली साइकिल नहीं है, उसी में तो सारी ज्वेलरी है। और जी लेकिन आपने तो लिखवाया कि ज्वेलरी चोरी हो गई है। हाँ बॉस ने झूठ बोला था, है ना बॉस? उड़ गए तोते। हाँ तो अंकल, तोते उड़ने भी चाहिए। आपने मेरी मम्मी के साथ पूरे फनीपुरा वासियों की ज्वेलरी जो चुराई है, और सारी ज्वेलरी उस साइकिल में है। मुझे थैंक यू अंकुश, चोर को पकड़वाने के लिए। तो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए जी।